जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदा से कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों को पवन सीरीज के दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अभी तक दोस्तों मैंने आप सभी मित्रों को टोटल 38 प्रश्न दोस्तों प्रोवाइड करा दिए, यानी दोस्तों आज की क्लास में कहां से स्टार्टिंग होगी, प्रश्न संख्या दोस्तों 39 से स्टार्टिंग होगी, 39। दोस्तों आप सभी मित्र को जितने भी मैंने वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रोवाइड कराए, यदि आपने अभी तक नहीं देखा और देखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए मैंने क्या किया है, जो भी तीन पार्ट इसके सिखाए हैं, तीन पार्ट में मैंने इतने प्रश्न आपको प्रोवाइड कराए हैं, तीनों पार्ट के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहां से भी आप आसानी से दोस्तों देख पाएंगे। और दोस्तों इसके लिए प्लेलिस्ट भी बनी है जिसका नाम है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ्स प्रैक्टिस सेट एंड प्रीवियस ईयर पेपर 2024, इस नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप सभी मित्रों को ये क्या तीनों पार्ट उसके अंतर्गत देखने को मिल जाएंगे, और क्या प्रैक्टिस सेट भी वहीं से लगाने के लिए मिल जाएंगे, और प्रीवियस ईयर के पेपर भी दोस्तों आपको इसी प्लेलिस्ट से देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, आप सभी मित्र वीडियो को अपने अपने स्तर से दोस्तों शेयर जरूर करते रहिए। चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे आप सभी मित्रों को इसी प्रकार के वीडियो सबसे पहले मिलते रहे। चलिए ध्यान से देखिए, 39 नंबर दोस्तों प्रश्न आपसे कह रहा है, बहुत ही आसान प्रश्न है, कह रहा है यदि यदि a बराबर 3.5 व b बराबर 4.6 हो तो ए इंटरसेक्शन बी होगा, ए इंटरसेक्शन बी होगा। ध्यान समझिए, इसे चार ऑप्शन है, पहला दूसरा तीसरा एंड चौथा, चारों ऑप्शनों को दोस्तों बहुत ही ध्यान से देखिएगा। पहला दोस्तों आपके पास ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन दोस्तों आपके पास 6 एंड तीसरा दोस्तों आपके पास जो ऑप्शन है वो 4.5 एंड चौथा ऑप्शन है 3। ठीक है, ध्यान समझिए, आपसे कह रहा है यदि a बराबर 3.5 व b बराबर 4.6 हो तो a इंटरसेक्शन b होगा। मैंने बताया भी कि इंटरसेक्शन का मतलब जैसे आप HCF निकालते हैं, मासा निकालते हैं, क्या जितने भी पद दे रखे होते हैं, जितनी भी संख्याएं दे रखी उनमें क्या कर लेते हैं, कॉमन लेते हैं। इसी प्रकार दोस्तों इंटरसेक्शन का मतलब क्या उल्टा यू बना होगा तो उसको इंटरसेक्शन कहेगा, सर्वनिष्ठ समुच्चय। ठीक, इंटरसेक्शन कहते हैं यानी कि समुच्चय a और समुच्चय b में जो कॉमन होगा उसको लिखेंगे, तभी तो नहीं हमारा निकलता निकल के आएगा हमारा a इंटरसेक्शन b। तो देखते हैं समुच्चय a और समुच्चय b में कॉमन क्या है। देखिए यहां 3 है, इसमें 3 है नहीं, इसमें 5 इसमें 5 नहीं, तो कॉमन तो a और समुच्चय b में कोई भी कॉमन नहीं मिला। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों या तो आपको ऑप्शन इस तरीके से रखेगा, ये मझला ब्रैकेट बना देगा, या दोस्तों a इंटरसेक्शन b इसकी जगह दोस्तों क्या आपको 5 बना देगा। चाहे दोस्तों आप क्या मंझला ब्रैकेट बना लीजिए, चाहे 5 बना लीजिए, दोनों आपको ऑप्शन में दे सकता है। बाई चांस यदि मंझला ब्रैकेट बना होता दोस्तों तो ये भी दोस्तों सही होता, और 5 लिखा है तो दोस्तों ये भी सही हो जाएगा, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका पहला सही होगा। हो सकता कभी कभार आपको यहाँ भी ब्रैकेट बना के दे दे और यहाँ भी ये भी दे दे, क्या मंझला ब्रैकेट भी बना 5 बना, पहले ऑप्शन में मान लीजिए बना है मंझला ब्रैकेट, दूसरे ऑप्शन में बना है 5, तो तीसरे ऑप्शन में लिखा होगा फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, तीसरे ऑप्शन में क्या लिखा होगा फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे, ये लिखा होगा तीसरे वाले ऑप्शन में, तो दोस्तों तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बात समझ रहे, या दोनों ये दे रखे होंगे तो दोनों सही होंगे हमारे, तो तीसरा ऑप्शन जरूर दे रखा होगा फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। चलिए अगला देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन, 40 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है 40, कहता है एक्स स्क्वायर माइनस का 8x+7 के गुणनखंड है, के गुणनखंड है, के गुणनखंड है। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिए, पहला दोस्तों ऑप्शन आपके पास है
x माइनस वन x प्लस सेवन। दूसरा है x प्लस वन x माइनस सेवन। तीसरा है x माइनस सेवन। एंड चौथा है x प्लस वन और x प्लस सेवन। देखिए ये चार ऑप्शन है, ध्यान से समझिएगा। आप तो कह रहा है x² - 8x + 7 के गुणनखंड होंगे। मैंने आपको क्या फैक्टर सिखाया है, कैसे निकालते हैं x² - 8x + 7। इसके दोस्तों आपको फैक्टर निकालने हैं, तो मैंने बताया था x² का गुणांक देखेंगे, कोफिशियंट ऑफ x² कितना 1 है, यहाँ 7 की मल्टीप्लाई 7 से, 7 क्या मतलब c है, क्या है ये दोस्तों हमारा c, इसकी आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी दोस्तों 1 × c 7 यानी कि 7 हो जाएगा। कितना दोस्तों यहां पर हो जाएगा 7, 7 के ऐसे गुणनखंड करें या गुणा करें तो 7 आ जाए, और यहां कितना 8 लिखा है, और यहां साइन कैसा प्लस का, प्लस का होता तो यहां प्लस लगाते हैं, और दोस्तों यदि यहां माइनस होता तो माइनस लगाते हैं, ठीक है। तो गुणा करें दोस्तों तो 7 आ जाए, पर जोड़े तो 8 आ जाए, तो 7 × 7 और 7 + 1 यानी दोस्तों x² - कितना लिखेंगे 7 + 1 x + 7। देखिए x² - 7x - +7x और -++ x हो जाएगा 1x, लिखे या खाली x लिखे बात एक ही है, और प्लस का दोस्तों 7 हो जाएगा। कॉमन ले लीजिए इसमें और इसमें कॉमन मिलेगा, तो दोस्तों x कॉमन लेंगे तो x - 7, यहां -1 कॉमन लेंगे तो x - 7 होगा। अब -1 कॉमन क्यों लेंगे, क्योंकि आपको पता है नीचे वाले दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए, जो इसमें लिखा वही इसमें लिखा होना चाहिए, तो यहाँ x + 7 था, हमें लाना क्या था x - 7, दोस्तों x + 7 तो है पर प्लस की जगह माइनस लाना है, इसलिए दोस्तों मैंने माइनस कॉमन ले लिया। अब देखिए हमारे पास कॉमन क्या आएगा, x - 7 देखिए यहाँ पर भी है और x - 7 यहाँ पर भी, तो कॉमन ले लेंगे तो x - 7 और x - 1 ये दोस्तों बचा जाएगा, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा तीसरा सही हो जाएगा, क्यों x - 1 और x - 7। अच्छा क्रम इधर उधर है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 5 × 6 करेंगे तब भी दोस्तों आपका 30 होगा, और 6 × 5 करेंगे तब भी दोस्तों आपका 30 होगा। बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका कौन सा तीसरा सही हो जाएगा। इस टाइप के प्रश्न दोस्तों यदि आपसे अति लघु में पूछे जाएंगे तो बिल्कुल सेम टू सेम इतना ही सॉल्व करना और लास्ट में आंसर लिख देना है, ठीक है। अगला 41 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, अगला दोस्तों फैक्टर ही है 41 नंबर, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है 6x² - x - 15 के आपको दोस्तों क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। अब ध्यान समझिएगा इसके ऑप्शन दोस्तों आपके पास क्या है, देखिए पहला ऑप्शन दोस्तों इसका है 2x + 3, नेक्स्ट 5x - 3, नेक्स्ट है 2x - 3 और 3x + 5, अगला है 2x - 3 और क्या 2x - 5, नेक्स्ट है 2x + 3 और 3x - 5। ये दोस्तों 5 ऑप्शन दोस्तों आपके, 4 ऑप्शन आपके पास हैं, ये चौथा ऑप्शन लास्ट वाला। अब दोस्तों आपको इसके फैक्टर ढूंढने, देखिए क्या होगा कैसे करेंगे, जैसे उसको किया था वैसे ही करना। क्या है आपके पास 6x² - x - 15, मैंने बताया क्या आपको क्या करना है, 15 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, 15 × 6 = 90 होता है। x² का गुणा देखिए इसके पहले वाले में 1 था, यहाँ 6 है, इसलिए दोस्तों क्या करेंगे, वहाँ 1 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 × 15 दोस्तों कितना 90, तो मल्टीप्लाई साइन लगा, यहाँ माइनस से माइनस लगा लेंगे, यहाँ देखिए यहाँ कितना x का गुणा कितना 1, तो ये 1 लिख लेंगे। अब 90 के दोस्तों हमें ऐसे एक गुणनखंड करने हैं, यदि मल्टीप्लाई करें तो दोस्तों हमारा 90 आ जाए, और घटाएं दोस्तों तो हमारा कितना आ जाए बताइए 1 आ जाए। तो ध्यान से समझिएगा, तो दोस्तों ऐसे कौन से फैक्टर होंगे जो हमारा ऐसा हो जाए, सोचिए 90 कहां से आएगा, 10 × 90 होता है, 10 × देखिए 10 × 9 करें तो 90 हो जाएगा, 10 में से 9 घटा दें तो दोस्तों हमारा 1 आ जाएगा। तो यहां क्या लिखेंगे, 6x² - 10 - 9x - 15। अच्छा 6x² देखिए −++ 10x, अच्छा −++ 9x और −15,
कॉमन ले लें दोस्तों। तो देखिए थ्री इसमें कॉमन लेना, इसमें कॉमन लेना, इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, थ्री थ्री के टू टू मिलेगा ना, टू एक्स कॉमन मिलेगा। तो इससे डिवाइड करेंगे, दो तीन छः और एक एक्स बाहर आ गया, तो एक एक्स तो बचेगा, माइनस दो पंचे दस और एक्स तो बाहर आ ही चुका है, प्लस देखिए यहाँ कितना कॉमन लिया तीन, तो तीन तीन नौ 3x और माइनस का दोस्तों कितना होगा, तीन पच्चीस पंद्रह हो गया। अब देखिए यहाँ 3x माइनस फाइव है और यहाँ 3x माइनस फाइव कॉमन हो गया, 3x माइनस फाइव और यहाँ देखिए 2x प्लस का 3, तो 3x माइनस का 5, 2x प्लस 3 कौन सा ऑप्शन होगा, 3x माइनस का 5 किसमें है, 3x माइनस फाइव और 2x प्लस 3 यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। ये तो है देखिए 3x माइनस का 5 है और 2x प्लस 3 है, ऑप्शन नंबर दोस्तों चौथा सही होगा। चलिए नोट करिए, नोट करते हैं दोस्तों फटाफट, आसान है दोस्तों पर आपको तरीका आना जरूरी है। अच्छा जैसे ये आप कैसे सोचते होंगे सर ये 10 नवे या 90 आप कैसे जान जाते हैं, तो दोस्तों इसका तरीका भी होता है, नहीं समझ में आता इस तरीके से दोस्तों इसके फैक्टर निकाल लेते हैं, दो से काटेंगे तो 45 आ जाएगा, फिर दो से काटेंगे, दो से तीन से काटेगा ना, तीन तिया नौ नहीं अरे तीन एकम तीन, तीन पचे पंद्रह, फिर तीन से कटेगा, तीन पचे पंद्रह पाँच से कटेगा। अब देखिए दोस्तों कुछ हमें ऐसा करना है, ये यहाँ पर दोस्तों आपको जो अभाज्य गुणनखंड इसके आते हैं इसके दोस्तों आपको क्या इसको अरेंज करना होता है। देखिए पाँच की मल्टीप्लाई यदि हम दो से कर देंगे तो पाँच दूनी दस होता है, और तीन की मल्टीप्लाई तीन से कर देंगे तीन तीन नौ होगा। तो दोस्तों इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड निकाल कर ये हम पहचान सकते हैं कि क्या लाना हमें, ठीक है। अगला देखिएगा 41 के बाद दोस्तों 42 नंबर दोस्तों क्या कह रहा है, 42 क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से देखिएगा, 42 42 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपसे कह रहा है 10.5 का स्क्वायर का मान है, इसका पूरे का स्क्वायर का मान है। देखिए इसके दोस्तों चार ऑप्शन आपके पास हैं, ध्यान से देखिएगा चारों ऑप्शन को दोस्तों बहुत ही ध्यान से देखना है, ये तो सिंपल है तो कर लेंगे ना। चलिए इसका उत्तर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। पहला है 100.25 और 110.25, अगला दोस्तों आपके पास है 101.25, अगला है 111.25, ये दोस्तों आपके पास ऑप्शन है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है 10.5 का होल हाफ स्क्वायर, तो देखिए 10.5 का होल हाफ स्क्वायर वैसे सिंपल है, इसको दो बार मल्टीप्लाई कर ले, पर यही प्रश्न दोस्तों अति लघु में आता है तो आप फार्मूले से सॉल्व करेंगे, वैसे सिंपल 10.5 गुणे 10.5 करेंगे मल्टीप्लाई करें सिंपल आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए दोस्तों तो वही मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हैं। पर दूसरा तरीका क्या देखिए 10+0.5 का होल हाफ स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते भाई, 10 में 0.5 ऐड कर दे तो रहेगा 10.5 ही का होल हाफ स्क्वायर। अब देखिए a प्लस बी का होल हाफ स्क्वायर हो गया, और a प्लस बी का होल हाफ स्क्वायर क्या होता है आप जानते हैं क्या, a प्लस बी का होल हाफ स्क्वायर दोस्तों होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, यही तो होता है। अब ध्यान समझिएगा a की जगह पर यहाँ पर 10 है और b की जगह पर दोस्तों 0.5 रख देते हैं, तो ए स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर, b का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर प्लस का 2ab, तो 2 इंटू ए कितना है 10 और b कितना दोस्तों 0.5, बस सॉल्व कर ले, प्लस है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है सॉल्व कर ले। देखिए 10 का स्क्वायर 100 होता है और कितना 0.5 यानी कि 25 होता है, दो अंक बाद पॉइंट है यानी कि 0.5 का स्क्वायर 0.25 हो जाएगा, और इधर देखिए 2 की मल्टीप्लाई 5 से कर 2 × 5 = 10 यानी कि कितना भाई, एक अंक बाद पॉइंट लगा दिया तो कुछ नहीं बचा यानी खाली यहाँ 10 ही बचा जाके, अब इसको ऐड कर लें, तो इसको ऐड करेंगे तो 110 हो जाएगा और प्लस 0.25 देखिए कितना 110.25 यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा 110.25 ऑप्शन नंबर आपका सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों अति लघु में आएगा तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए 43 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है कि 5.41 × 4.36 माइनस का 3.23 × 5.41 ठीक है, और माइनस का 5.41 × 1.13 का संक्षिप्त रीति से मान क्या होगा, का संक्षिप्त रीति से
रीति से मान क्या होगा, मान क्या होगा, संक्षिप्त रीति से मान क्या होगा। ध्यान समझिए कैसे करेंगे इसको, इसके ऑप्शन पहले देख लेते हैं। देखिए पहला ऑप्शन दोस्तों आपके पास इसका है, तीन, इक्कीस, तेरह और जीरो, तेरह और जीरो। तो ध्यान से समझिए इसको करना क्या है, हमें कह क्या रहा है, देखिएगा आपसे कह रहा है कि 5.41 इंटू 4.36 माइनस का 3.23। अच्छा देखिए सब इसको देखिएगा ध्यान से, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 5.41 और इसमें भी 5.41 है, इसमें भी 5.41, सबसे कॉमन लेते हैं तो 5.41 जब हम कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, बचेगा दोस्तों हमारे पास 4.36, ये तो बचा 4.36, फिर यहाँ क्या बचेगा प्लस माइनस का 3.23 और इधर क्या बचेगा माइनस का 1.13। ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, क्या किया मैंने 5.41 इसमें था तो कॉमन ले लिया, इसमें भी 5.41 है, इसमें भी 5.41, तो जब कॉमन ले लेंगे तो बाहर आ गया तो बचा क्या 4.36 बचा, यहाँ देखिए 5.41 कॉमन हो गया तो बचा क्या 3.23 बचा, यहाँ देखिए 5.41 कॉमन होगा तो बचा क्या 1.13 तो बचा। अब ध्यान समझिए ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो 5.41 ऐसे ले लीजिए, देखिए 4.36 ऐसे रहा, इनको इनको जोड़ लें तो जब जोड़ेंगे देखिए 3 और 3 6 हो गया जाके और 2 1 3 हो गया जाके, पॉइंट लगा लिया 3 और 1 कितना 4, 4.36 आया। ध्यान समझिए 5.41 है कि 4.36 में से 4.36 जाएगा दशमलव लगा यहाँ पर, तो दोस्तों क्या जीरो ही तो बचेगा, तो घूड़े में जीरो, आपको पता किसी भी संख्या की यदि हम जीरो से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जीरो ही आता, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका फोर्थ हो जाएगा। देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न दोस्तों आपके तो दोस्तों सीरीज में तो दे ही रखे, पर मैं सॉल्व क्यों करा रहा हूँ, ये बहुत लोगों के मन में प्रश्न होगा सर आप सॉल्व क्यों करा रहे हैं, ये तो प्रश्न दे रखे पर उसका सलूशन थोड़ा आपको दे रखा है, सिर्फ टिक दे रखे, उसका ऑप्शन दे रखे हैं। अब ये यही प्रश्न सलूशन नहीं होता तो क्या रट के जाएंगे, इस टाइप का दूसरा भी तो आ सकता है, तो कैसे लगाएगी वो तरीका भी दोस्तों आप सीख पाते हैं, इसलिए दोस्तों ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को क्या सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि यही प्रश्न अति लोग में आएगा तो कैसे करेंगे, और वस्तुनिष्ठ में भी होगा यदि आपको सॉल्व करना नहीं आता होगा तो आखिर करेंगे तो कैसे करेंगे, है कि नहीं। चलिए अगला देखिएगा, अगला दोस्तों आपसे कह रहा है 44 नंबर, 44 44 दोस्तों आपसे कह रहा है, कह रहा भाज्य बराबर क्या होगा, ये तो सभी को पता भाज्य बराबर क्या होगा। देखिएगा चार ऑप्शन इसके दोस्तों हैं, भाज्य बराबर क्या होगा, चारों ऑप्शन देखिएगा, देखिए पहला ऑप्शन दोस्तों आपके पास है भाजक प्लस शेषफल, भाजक प्लस शेषफल। दूसरा ऑप्शन दोस्तों आपके पास है भागफल इंटू शेषफल, भागफल इंटू शेषफल। तीसरा ऑप्शन दोस्तों आपके पास है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, और लास्ट वाला दोस्तों कह रहा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसको भी दोस्तों मैंने बहुत अच्छे से समझाया है और इस पर दोस्तों मैंने प्रश्न भी कराए हैं, ध्यान समझिए मैंने बताया था भाज्य बराबर दोस्तों जो आपका होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, देखिए भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। देखिए इसे मैंने भाग दिया, 2 को 17 से भाग किया, नहीं 17 को 2 से भाग किया, उल्टा बोल दिया, 17 को 2 से भाग किया, 2 8 16 होता है, देखिए 1 बचा, तो दोस्तों ये हमारा शेषफल होता है, ठीक है, ये हमारा भागफल होता है, ये हमारा भाजक होता है,
और ये हमारा भाज्य होता है, ठीक है। ये मुझे हमें सभी को पता होगा, और जिसको नहीं पता वो सीख लिया। क्या? जो इधर वाला होगा भाजक होगा, जिसको भाग करना होगा वो भाज्य होगा, और जो इधर इधर आएगा वो भागफल, जो नीचे आएगा वो शेषफल होता है, ठीक। अगला 44 के बाद दोस्तों 45 नंबर, 45 क्या कह रहा है बहुत ही ध्यान से देखिएगा। 45 नंबर, 45 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है कि प्रथम पांच अभाज्य, प्रथम पांच अभाज्य संख्याओं की माध्यिका है, अभाज्य संख्याओं की माध्यिका है, माध्यिका है। आप ध्यान समझे कैसे करेंगे, इसके ऑप्शन देखिएगा। इसके ऑप्शन दोस्तों आपके पास क्या क्या है बहुत ही ध्यान से देखिए। आपसे कह रहा है पहला ऑप्शन दोस्तों है इसका 6.25, दूसरा ऑप्शन है 5.6, तीसरा ऑप्शन है 5.0 एंड चौथा ऑप्शन है 3.2। अब ध्यान समझिए, आपसे कह रहा है प्रथम पांच अभाज्य संख्याओं की माध्यिका है। तो देखिए प्रथम पांच अभाज्य संख्याएं पता होना चाहिए, भाज्य और अभाज्य संख्या। दोस्तों अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं होती है जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं। क्या? अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं प्राइम नंबर्स जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होती है, दो के बाद तीन, तीन के बाद पांच, पांच के बाद सात, और सात के बाद दोस्तों आठ होगा, नौ होगा, दस होगा, नहीं ग्यारह। तो दो तीन पांच सात ग्यारह, कह रहा प्रथम पांच अभाज्य संख्याओं की माध्यिका। देखिए कितने पद हैं, एक दो तीन चार पांच पद, एन बराबर पांच हो गया। दोस्तों क्या निकालते हैं, माध्यिका बराबर क्या होता है, माध्यिका बराबर दोस्तों क्या होता है, एन प्लस वन बटे टू वे पद का मान, यही तो होता है, ठीक है। माध्यिका का क्या, एन प्लस वन बटे टू वे पद का मान होता है जब पदों की संख्या कैसी होगी, विषम होगी। सम के लिए दोस्तों दूसरा फॉर्मूला होता है, कराएं मैंने प्रश्न इस पे प्रैक्टिस सेट में भी कराएं। तो देखिए n की वैल्यू 5 है तो 5 रख दिया, और 5 प्लस 1 बटे 2 वे पद का मान, पद का मान। अब ध्यान समझिएगा, 5 प्लस 1 6 बटे 2 वे पद का मान, काट दीजिए तो काटेंगे दोस्तों, दो एकम दो, दो तीन छः, यानी दोस्तों कितना, तीसरे पद का मान। अब तीसरे नंबर पर दोस्तों कौन सा पद आपके पास है, देखिए पहला दूसरा तीसरा। देखिए माध्यिका निकालने के लिए आरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना होता है, आरोही का छोटे से बड़े क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में, किसमें, बढ़ते हुए क्रम में, तो आरोही क्रम में, तो आरोही क्रम में ऑलरेडी से है कि नहीं। यदि आरोही क्रम में से लिखा हो तो दो पांच सात ग्यारह तीन ऐसे, तो इसको सबसे पहले क्या दो तीन पांच सात ग्यारह में अरेंज करते हैं, तो जानते कि नहीं। माध्यिका निकालने के लिए आपको आरोही क्रम में उसको व्यवस्थित असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका तीसरा सही होगा। अगला देखिएगा 46 नंबर, 46 क्या कह रहा है, 46 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है आंकड़ों 3, 4, 7, 9 3, 4, 7, 9, 10, 13 और 15, ठीक है, 3, 4, 7, 9, 10, 13, 15 की माध्यिका होगी, की माध्यिका होगी। देखिए माध्यिका से अगला भी प्रश्न है, माध्यिका होगी। आप ध्यान समझ कैसे करेंगे, इसकी माध्यिका दोस्तों आपसे पूछ रहा है। देखिए ऑप्शन क्या है आपके पास, पहला दोस्तों ऑप्शन ऑप्शन है 13, 9, 7 और 10, ठीक है, ध्यान समझिए। देखिए यहाँ पदों की संख्या कितनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पद, यहाँ देखिए पदों की संख्या कैसी, 7, यानी कि यहाँ जहाँ लिखा है n, n दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा, 7 हो जाएगा। ये चलने दीजिए, इधर वे वे तो लिखना पड़ेगा, मैं फिर से कितना हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा। तो माध्यिका का फॉर्मूला, जब पदों की संख्या विषम होती है तो माध्यिका फॉर्मूला क्या होती है, n प्लस 1 बटे 2 पद का मान। पर इससे देखिए ये तो अरेंज भी है 3, 4, 7, 9, 10, 11 और 15 ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में, तो दोस्तों हाई है, इसको अरेंज करने की जरूरत नहीं। देखिए 7 प्लस 1 बटे 2 वे पद का मान, यानी कितना दोस्तों हो जाएगा 8 बटे 2 वे पद का मान। तो
कितना चौथे पद का मान। और चौथा दोस्तों पद क्या है, देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा नौ, यानी कि माध्यिका आपकी दोस्तों कौन सी नौ हो जाएगी। चौथे पद का मान चौथे नंबर कौन सा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथे पे दोस्तों नौ आ रहा है, इसमें दोस्तों इसकी माध्यिका नौ हो जाएगी। है सिंपल कि नहीं सिंपल है। अगला दोस्तों आपसे कह रहा है 47 नंबर, नोट करते रहिए फटाफट। 47 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है 47 नंबर देखिए कह रहा है प्रथम पांच प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा, का समांतर माध्य क्या होगा, क्या होगा। प्रथम पांच प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। अब ध्यान समझिएगा, समांतर माध्य कैसे निकालते हैं आप सुन देखिए। पहला है 2, फिर 4, फिर 6 और फिर 3। देखिए अगर प्रथम पांच प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, देखिए यहाँ आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्याएं होती क्या, यानी कि नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा। और दोस्तों जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। जिनके द्वारा हम वस्तुओं को ऑब्जेक्ट को काउंट करते गिन सकते हैं वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। जैसे मैं पूछे कितने मार्क तो आप बताते हैं 2, है कि नहीं, जिनके बता रहे कि नहीं 1, 2। तो प्रथम पांच प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य पूछा, तो प्रथम पांच प्राकृतिक संख्या लिखिए 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, आप जानते हैं समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है, समांतर माध्य बराबर पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। अब देखिए पदों का योगफल दोस्तों क्या होता है, तो देखिए जितने पद दे रखे हैं उनको सबको ऐड कर दीजिए। देखिए 1+2+3+4+5 टोटल पद कितने हैं, 5 ही तो हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए कितना है, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3 और 3, 6, 4, 10, 5, 15 बटे 5, यानी कि दोस्तों कितना हो जाएगा, 5 × 5, 5 × 3 = 15, यानी कि 3। तो क्या लिखेंगे, यही प्रश्न अति लघु में होता तो लिखते आता समांतर माध्य बराबर 3, पर देखिए आप ऑब्जेक्टिव है तो कितना 3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। अच्छा पेपर में जरूरी थोड़ा आप लिखे कि समांतर माध्य बराबर पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, डायरेक्ट इसको जोड़िए फटाफट, फटाक से 5 से डिवाइड करिए, तो इतना लंबा घसे इतना नहीं, पर मुझे समझाना है कि जैसे यही प्रश्न अति लघु में आए तो आप कैसे करेंगे, है कि नहीं, बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे। चलिए अगला नोट करिएगा 48 क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखिएगा। 48 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है कि देखिए 48 तो बहुत ही आसान है, 10, 12, 19, 13, 12, 11, 17, 13। ठीक है, क्या 10, 12, 19, 9, 13, 12, 8, 12, 11, 17, 13 का बहुलक होगा, का बहुलक होगा, बहुलक होगा। माध्यिका सीखा, समांतर माध्य सीखा, अब बहुलक से संबंधित प्रश्न देखिए इसका क्या बहुलक होगा। इसके ऑप्शन देखिएगा, पहला ऑप्शन दोस्तों आपके पास 12, दूसरा ऑप्शन दोस्तों आपके पास 10, तीसरा ऑप्शन दोस्तों आपके पास 13 और चौथा ऑप्शन दोस्तों आपके पास 9 है। देखिए क्या होगा बहुलक, बहुत ध्यान से देख समझिएगा दोस्तों, इसका बहुलक बहुत ध्यान से देखिए। बहुलक का मतलब जो भी पद दे रखे हैं उन पदों में जो सबसे ज्यादा बार आया होगा, क्या इसमें देखिए बहुत सारे डिजिट दे रखे, बहुत सारे अंक दे रखे, इन सभी पदों में इन सभी संख्याओं में जो सबसे ज्यादा बार आया होगा वही बहुलक कहलाएंगे। देखिए 10 देखिए तो 10 कितनी बार, एक ही बार आया। 12 देखिए कितने बार है, देखिए 12 यहाँ पर है, उसके बाद 12 यहाँ पर है, 12 यहाँ पर, 12 तीन बार आया। उसके बाद देखिए 19 कितनी बार है, 19 एक ही बार है, बात खत्म। 9 कितनी बार, एक ही बार। 13 कितनी बार, दो बार, एक यहाँ है एक यहाँ, 13 दो बार आया। और 8 दोस्तों एक ही बार, 11 एक ही बार, यानी कि सबसे अधिक दोस्तों कौन आया, 12 आया, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा।
क्लियर है ना, क्लियर है, चलिए नोट करिए फटाफट। तो बहुलक निकालना हो तो जो सबसे अधिक बार आया होगा वही दोस्तों हमारा बहुलक होगा, चलिए नोट करिए। ठीक है, तो भैया आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा, और वीडियो को अपने अपने हिस्सा से दोस्तों जरूर शेयर करिएगा। ये दोस्तों आपका पार्ट नंबर कौन सा था, फोर्थ पार्ट है, चौथा पार्ट है, तीन पार्ट इसके पहले मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए, ये चौथा पार्ट है दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों आगे भी आपको पार्ट इसके मिलते रहेंगे, सारे पवन सीरीज के दोस्तों आप सभी मित्रों को वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रोवाइड कराऊंगा। आप सभी मित्रों को मैंने प्रोवाइड क्या क्या करा दिया है, आप सभी मित्रों को डीएलए थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का पूरा कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड कराया है, प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए हैं, 5 साल के दोस्तों प्रीवियस ईयर के पेपर भी प्रोवाइड कराए हैं, 2023 जितने भी दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर के पेपर आए थे उनका सोल्यूशन भी प्रोवाइड कराए हैं, और दोस्तों आपको साथ में क्या अब आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रोवाइड करा रहा हूं। इतना दोस्तों यदि आप तैयार करके जाते हैं तो आपको क्या आपका एग्जाम बहुत ही बेहतर होगा, और अभी दोस्तों आप सभी मित्रों को क्या मॉडल पेपर भी दोस्तों प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी मित्र बहुत ही ईमानदारी के साथ अपनी तैयारी करते रहे जिससे आप सभी मित्रों का एग्जाम दोस्तों बहुत अच्छा जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।